स्वागत आपका आज मेरे चैनल हरि दर्शन विद बलजीत में। और आज मैं नेशनल म्यूजियम को विजिट करने आया हूँ, जहाँ पर लंदन में आयोजित भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी के साथ हुई है। और इस म्यूजियम में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को दर्शाया गया है, जो कि आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहीं से देख सकते हैं, यहीं से टिकट लेते हो, मैंने यहाँ से एंटर करा। नई दिल्ली के 10 जनपद में स्थित है नई दिल्ली का यह राष्ट्रीय संग्रहालय, देश का सबसे अच्छे संग्रहालयों में से एक है। सन 1949 में दिल्ली में स्थापित यह संग्रहालय कई प्रकार की रोचक चीजें प्रदर्शित हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत यह मौलाना आजाद रोड और जनपद के किनारे पर स्थित है, और इसका प्राग ऐतिहासिक काल को से लेकर आधुनिक युग की विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। और इसके इतिहास पर नजर डालें तो इस संग्रहालय की शुरुआत 1947-48 में लंदन में आयोजित भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी के साथ हुई। रॉयल अकादमी लंदन में आयोजित इस प्रदर्शनी के संचालक ने इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित अनोखी वस्तुओं को उनके मूल संग्रहालय में वापस करने का, पूर्व भारत में प्रदर्शित करने का निश्चय किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये सभी वस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी ने इतने अधिक पार्कियों को आकर्षित किया कि दिल्ली में ही राष्ट्रीय संग्रहालय को बनाने का निश्चय किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय संग्रहालय उसी वर्ष अस्तित्व में आया और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने किया था। हालांकि वर्तमान संग्रहालय की इमारत 1960 में बनकर तैयार हुई और इसके पश्चात इसे जनता के लिए खोला गया। और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस संग्रहालय को बनाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और एंटर होते ही सामने ये गॉड की प्रतिमा सूर्य देव की 13वीं शती में कोणार्क में उड़ीसा में स्थित में पाई गई थी ये। और यहाँ से ये देख सकते हैं, ये है एलईडी, ये जितनी भी अंदर प्रतिमाएं रखी गई हैं उसकी यहाँ पे एलईडी पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी टच करेंगे तो पूरी डिटेल उसकी खुल जाएगी, इजिली आप यहाँ पे जान सकते हैं पूरी डिटेल में। और यहीं से चलेंगे हम आगे। और इस संग्रहालय बनाने का जो उद्देश्य था वो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व की पूरा वस्तु एवं कलाकृतियों को प्रदर्शन, सुरक्षा, परिरक्षण और निर्वचन शोध के प्रयोजन हेतु संग्रहीन करना था। और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक उत्कृष्ट एवं उपलब्धियों के संबंध में कलाकृतियों के महत्व के बारे में जानकारी देना, और कलात्मक और सांस्कृतिक कार्यकलाप के क्षेत्र में दर्शकों को आनंद और अन्य क्रियात्मक संबंध हेतु सांस्कृतिक केंद्र की भूमिका निभाना, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में कार्य करना, तो ये थी इसकी पूरा उद्देश्य। तो इसको इसीलिए इसको यहाँ पे बनाया गया है। और भारत में कहीं पर भी प्राप्त कलाकृतियों का यह अनूठा संग्रह है। वर्तमान में संग्रहालय में 2 लाख से ज्यादा भारतीय और विदेशी मूल की वस्तु प्रदर्शित हैं। इनमें 2700 ईसा पूर्व के टेराकोटा और कांस्य से बनी वस्तुएं, मोरा काल की लकड़ी की मूर्तियां, दक्षिण भारत के विजयनगर की कलात्मक वस्तुएं, गुप्त काल, सिंधु घाटी सभ्यता, मुगल काल और गंधर्व काल, कई अन्य समस्या की प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये सामने देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत विष्णु जी की प्रतिमा रखी गई है। ये देखिए, बड़ी खूबसूरत लग रही थी जब आप सामने से देखेंगे। और यहीं पे पॉज करके इसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और यहीं पे कुछ ये आर्मी के कुछ ऑफिसर ट्रेनिंग भी आ रखे थे सामने ही। और अगर आप भी आते तो यहाँ पे कुछ पेपर बने होते हैं पहले से ही, उसमें आप पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, कलर वगैरह करने होते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं जैसे ये कुछ ऑफिसर कर रहे हैं। यहीं पे मैंने एक छोटा सा एक क्लिप ले लिया था, ये देखिए। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पेपर आपको मिलेंगे जिसमें आप कलर भर के उसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कांस्य प्रतिमा है, ये देखिए यहाँ से। वैसे तो यहाँ पे बहुत टाइप की प्रतिमाएं रखी गई हैं, जहाँ पे जो मैंने नोट किया है यहाँ पे बौद्ध रिलेटेड धर्म की बहुत सी प्रतिमाएं यहाँ पे रखी गई हैं। संग्रहालय के अंदर ही बौद्ध कला भाग में उत्तर प्रदेश के 32 से खुदाई से में मिली बुद्ध से संबद्ध कई वस्तु प्रदर्शित हैं। मुझे जो मैंने यहाँ पे नोट किया, बहुत सारी यहाँ पे बुद्ध धर्म से यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। कुछ रोचक प्रदर्शित वस्तुओं में मोहनजोदड़ो की नित्य करती मूर्ति, जनजातीय कलाएं और गहने सूक्ष्म कला की वस्तुएं,
भित्त चित्र कपड़े वाद्य यंत्र हथियार प्रसिद्ध मुगल शासक जहांगीर द्वारा हस्तचित्रित कुछ बहुत ही प्रभावशाली यादगार वस्तु शामिल हैं। इस संग्रहालय में संग्रहित वस्तु चित्रकारी गहनों पुरातत्व पांडुलिपि हथियार औजार जैसी कई श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। पूरे 3 मंजिलों के क्षेत्र पर फैले इस संग्रहालय में वस्तुओं को देखने और प्रशंसा करने के लिए एक दिन का शायद समय कम पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि संग्रहालय में ऐतिहासिक मानव सभ्यता के अवशेष मौर्य कालीन गांधार गुप्त एवं अन्य राजवंशों के समय में भित्ति चित्र प्रस्तर खंड एवं ताम्र पत्र आदि एवं अनगिनत दुर्लभ कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। यहीं पर हस्तशिल्प गैलरी में कपड़ा एवं सजावटी वस्तुएं प्रदर्शित हैं। यहीं पर दिल्ली की खुदाई के अवशेष भी पाए जाते हैं। यहीं के पास कागजात एवं रिकॉर्ड संग्रहित हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित पुस्तकें यहीं प्रवेश द्वार पर खरीदी जा सकती हैं। जैसे जब यहाँ से आप एंटर करेंगे वहीं राइट साइड में यहाँ पे एक लाइब्रेरी है। इसमें से कुछ चीज़ें प्रागैतिहासिक काल की हैं। आप इजीली यहाँ पे आपको वो बुक्स मिल सकती हैं जो आपको कहीं इजीली मिलेगी नहीं, तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। एंटर होते ही राइट साइड में आपको लाइब्रेरी मिलेगी। और यहाँ पे विश्व के सर्वाधिक लघु चित्रों का संग्रह है। इसके अलावा घर की सजावटी और गहनों का प्रदर्शित करते दीर्घाएं भी यहाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और इस राष्ट्रीय संग्रहालय के एक संरक्षण प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में अनेक प्रकार की कलाकृतियों को संभाल कर रखा जाता है और छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पूरी तरह से लैस छाया चित्रण अनुभाग द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय की कलाकृतियों को फोटो प्रलेखन किया जाता है। विद्वानों और शोधकर्ताओं को और विद्यार्थियों को कलाकृतियों के प्रिंट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। संग्रहालय में आम लोगों के लिए प्रतिदिन 10 बजे से 5:30 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को यहाँ पे अवकाश रहता है। यहाँ पे आपको इंडियन कॉइनेज देखने को मिलेंगी, पुराने टाइप की जो अभी तक जितनी भी कॉइन्स हुई हैं यहाँ पे आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ी खूबसूरती के साथ उनको रखा गया है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा पाउस करके हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसलिए स्लोली स्लोली इसको लिया है। ये देखिए और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये है, यहाँ पे ऊपर ही लिखा होगा, ये है राजपुताना के रजवाड़ा के सिक्के। ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं। और ये है भारतीय राजवाड़ों के सिक्के। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये। और ये है दिल्ली सल्तनत के सिक्के जो उस टाइम चलते थे, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं दिल्ली के सल्तनत के सिक्के। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दिखाने के लिए इतनी चीजें हैं। मैं पूरी तरफ से कोशिश की है इसको कवर करने की पूरी तरह से। वीडियो थोड़ा सा लंबा है इसलिए वीडियो के मेरे तक साथ लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये। और यहाँ पे ये जब आप एंटर होके जब अंदर आएंगे सामने ही ये बीच में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको, इसकी जो आर्किटेक्चर बड़ी कमाल की है। यहीं पे मैं उतर के नीचे यहाँ पे बाद में लास्ट में गया भी था, यहाँ से मैं आ गया हूँ। ये है 3rd फ्लोर। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये है ट्रिबुल लाइफस्टाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा खासा समय लगा इसको विजिट करने में, पूरा शूट करने में, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि हम खुद भी इसको देख नहीं पा रहे थे। इतनी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा। हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली के हर प्रकार के पर्यटक के लिए एक बेहतरीन जगह है। भारत की राजधानी दिल्ली ना सिर्फ भारत के सबसे बड़े शहरों में आती है बल्कि यहाँ आप कई प्राचीनता और आधुनिकता का मेल भी देख सकते हैं। दिल्ली के विभिन्न पर्यटक स्थल के साथ साथ अपने संग्रहालयों के लिए भी बेहद मशहूर है। इन म्यूजियम में हजारों पर्यटक लवर्स और इतिहास के प्रेमी साल के एक दो बार तो आ ही जाते हैं। और संग्रहालय ने अपने संग्रहालय को उपहारों के माध्यम से बढ़ाना जारी रखा, जिन्हें बहुत मेहनत से प्राप्त किया गया। वही कलाकृतियों को कला खरीदी समिति के माध्यम से एकत्र किया गया। संग्रहालय में वर्तमान में विविध प्रकृति की लगभग
2 लाख वस्तुएं हैं यहाँ पे, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों शामिल हैं। और इसके संग्रहालय में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के 5000 से अधिक वर्षों का समय शामिल है। राष्ट्रीय संग्रहालय की देखभाल शुरू में पुरातत्व महानिदेशक द्वारा की जाती थी, लेकिन 1957 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इसे एक अलग संस्थान घोषित कर दिया और इसे अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में प्रशासनिक नियंत्रण में है। एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे कई जगहों पे वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी वीडियो स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी बड़ी मुश्किल से एक दो छोटे क्लिप लिए थे, बिल्कुल भी यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। फोटो अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फोटो ले सकते हैं, लेकिन कई जगह पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली वीडियो अलाउ नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। और यहाँ से ये देख सकते हैं, मैं सारी कलाकृतियाँ दिखाता चल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्जॉय कर रहे होंगे। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं नीचे भी चल के गया था, ये बड़ा ही खूबसूरत व्यू था, तो मैं स्पेशली नीचे चल के गया देखने के लिए। हर जगह पे मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध और जो भी प्रतिमाएं रखी गई हैं, हर जगह पे हर चीज़ को दर्शाया गया है। ये देखिए, यहीं पे सामने ही बड़ी खूबसूरत एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये देखिए, यहीं से मैं इंजॉय करता चल रहा था। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि दिखाने के लिए यहाँ पे इतनी चीज़ें थी कि शायद हो सकता है कई चीज़ें मैं ना भी कवर कर पाया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जितना हो सका पूरे संग्रहालय को कवर करने की कोशिश करी है, पूरा दिखाने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं यहीं से अपना वीडियो को एंड करते हुए, यहीं पे जैसे कि मैंने बताया था कि एंटर होते ही आपको एक पुस्तकालय नजर आएगा जहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फोटो खींचना अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप आते हैं तो उस लाइब्रेरी में जरूर एंटर करिएगा। मैंने भी एंटर करके देखा था, बहुत खूबसूरत अंदर लग रहा था। यही है वो पुस्तकालय, ये देख सकते हैं। यहीं से मैं आपसे इजाजत लूंगा, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।